अपनी दमदार एक्टिंग के साथ रणवीर सिंह अपनी शानदार एनर्जी के लिए काफी सुर्खियों में रहते हैं। आजकल फिल्म सिंघम अगेन के लिए भी रणवीर के किरदार को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। कई डायरेक्टर तो ये भी कहते हैं कि सेट पर हमेशा रणवीर एनर्जेटिक नजर आते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब शूटिंग के दौरान रणवीर बेहोश हो गए थे। तो चलिए आज के हमारे इस अनसुने किस्से में हम आपको बताते हैं आखिर रणवीर के साथ हुआ क्या था। रणवीर सिंह के साथ काम कर चुके डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी ने खुलासा किया कि एक्टर अपने किरदार के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए और कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने साल 2013 में आई फिल्म लुटेरा की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के समय रणवीर सिंह की कमर में चोट लग गई थी, लेकिन एक योद्धा की तरह उन्होंने दर्द को सहते हुए शूटिंग पूरी की थी। विक्रमादित्य मोटवानी ने कहा, शूटिंग के दौरान फिल्म के सेट पर रणवीर सिंह बेहोश होकर गिर गए थे। उन्होंने बताया, फिल्म के एक सीन में रणवीर की पीठ में गोली लग जाती है। रणवीर इस सीन में दर्द को वास्तव में महसूस करना चाहते थे। उस समय हम डलहौजी में शूट कर रहे थे। दर्द को फील करने के लिए एक्टर ने अपनी कमर में एक पेपर क्लिप लगा ली और पहाड़ों पर ऊपर नीचे भागना शुरू कर दिया, क्योंकि सीन में उन्हें गोली लगती है और वो पसीने से लथपथ होते हैं। आगे डायरेक्टर ने कहा, रियल में पसीने लाने के लिए उन्होंने पहाड़ों पर भागना शुरू किया। हमने सीन की शूटिंग पूरी की। शूटिंग खत्म होते ही रणवीर ने अपनी कमर से वो क्लिप निकाली। रणवीर को बेहद दर्द हो रहा था, लेकिन उन्हें इसका एहसास ही नहीं हुआ और वो बेहोश हो गए। इसके बाद हमें उन्हें डलहौजी से हेलीकॉप्टर से लाना पड़ा। इसके चलते शूटिंग भी रद्द करनी पड़ी थी। डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी के निर्देशन में बनी लुटेरा एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में रणवीर सिंह के ऑपोजिट सोनाक्षी सिन्हा दिखी थी। बॉक्स ऑफिस पर लोगों को कुछ खास इम्प्रेस नहीं कर पाई थी ये फिल्म, लेकिन फिल्म में दोनों की एक्टिंग को खूब तारीफ मिली थी। तो आपको कैसा लगा आज का हमारा ये अनसुना किस्सा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए देखते रहें बॉलीवुड नाउ।